एक और कंपैरिजन वीडियो होने वाला है मोटो वन एक्शन और सैमसंग गैलेक्सी M30 के बीच में। ये दोनों ही फोन जो है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों फोनों का जो प्रोसेसर है, जो बैटरी है, जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही फोनों के डिस्प्ले से। डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी M30, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और वहीं पर मोटो वन एक्शन के अंदर आप लोगों को 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है और ये एक IPS LCD पैनल है। पर दोस्तों मोटो वन एक्शन के अंदर आपको 21:9 रेशियो का डिस्प्ले मिलता है, और वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M30 के अंदर आपको 19:9 रेशियो वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और मोटो वन विजन के अंदर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और सैमसंग गैलेक्सी M30 के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कौन सा डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगता है। आप लोगों को एक ड्यू ड्रॉप नॉच पसंद आता है या फिर एक पंच होल डिस्प्ले पसंद आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वहीं पर इन दोनों ही फोनों के कैमरा सेक्शन के बारे में बात करूँ तो मोटो वन एक्शन के अंदर आप लोग को 12+16+5 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, और एक 12 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और उसी के साथ में M30 के अंदर आप लोगों को 12+5+5 MP का ट्रिपल कैमरा मिलता है, और वहीं और उसके अंदर आप लोगों को 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। जो बैक के रियर कैमरा है ना, दोनों ही फोनों के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो तीसरा कैमरा है ना दोस्तों, M30 के अंदर आपको 5 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है, और वहीं पर जो मोटो वन एक्शन के अंदर तीसरा कैमरा है ना 16 MP का, वो आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो कैप्चरिंग के लिए दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग वीडियोस को शूट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोगों को मोटो वन एक्शन के साथ जाना चाहिए। और अब इन दोनों ही फ़ोनों के हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को कोई फ़ोन ऐसा चाहिए जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए तो आप लोगों को मोटो वन एक्शन के साथ में जाना चाहिए। वैसे इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको सैमसंग का खुद का एक्सिनोस का चिपसेट देखने को मिल जाता है, पर मोटो वन एक्शन के अंदर आपको एक्सिनोस उसका 9609 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है अगर आप उसको M30 के चिपसेट के साथ में कंपेयर करते हो, क्योंकि आप लोगों को M30 के अंदर उसके अंदर एक्सिनोस का 7904 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों को अपने फोनों के अंदर गेमिंग करना ज्यादा पसंद है तो आप लोगों को मोटो वन एक्शन के साथ में जाना चाहिए। और अब इन दोनों फोनों के बैटरी सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। मोटो वन एक्शन के अंदर आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी के साथ में, और उसके अंदर आपको बॉक्स के कोई फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता, आपको उसके बॉक्स के अंदर 10W का चार्जर ही देखने को मिल जाता है। और वहीं पर अगर आप लोग M30 के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और बॉक्स के अंदर भी 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है टाइप सी के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई बैटरी के लिए स्मार्टफोन चाहिए, आप लोगों को सैमसंग M30 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और उसके अंदर आपको बॉक्स के फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा मिला हो, जिसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिली हो, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमाल का कैमरा चाहिए अल्ट्रा वाइड एंगल वाला, और एक डिस्टेंस से परफॉर्म करने वाला परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M30 के साथ में जाना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोगों को एक अलग ही एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले चाहिए और उसी के साथ में पंच होल वाला डिस्प्ले चाहिए, एक एवरेज सा बैटरी चाहिए, काफ़ी कमाल का कैमरा चाहिए और अच्छा परफॉर्म करने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप लोगों को मोटो वन एक्शन के साथ में जाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इन दोनों ही स्मार्टफोन में से आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस